सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्म अपडेट। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कैप्टन अमेरिका 4 के क्रेडिट सीन और प्लॉट लीक्स के बारे में। सो कैप्टन अमेरिका 4 से रिलेटेड काफी इंटरेस्टिंग प्लॉट लीक्स अभी इंटरनेट पर सामने आए हैं, जिसके अकॉर्डिंग ऐसा कहा जा रहा है कि कैप्टन अमेरिका 4 में हमें यह बताया जाता है कि लीडर के कैरेक्टर को ये पता है कि अर्थ के ऊपर डॉक्टर डूम का हमला होने वाला है। बेसिकली कैप्टन अमेरिका 4 की मूवी रिवॉल्व करने वाली है एडमेंटियम के ऊपर, और जो तीमट आइलैंड हमें इटर्नल्स के अंदर दिखाया गया था, उस आइलैंड के लिए काफी सारे देश एक दूसरे के अगेंस्ट वॉर में जाएंगे। मेन कॉन्फ्लिक्ट अमेरिका और जापान के बीच में होगा, जिसको कि सर्पेंट सोसाइटी क्रिएट करेगा ताकि ये दोनों देश आपस में लड़ सके और बीच में वो आके एडमेंटियम वहां से ले जा सके। तो सर्पेंट सोसाइटी एक काफी बड़े विलन्स होंगे इस मूवी के अंदर, जो कि सारे सुपर सोल्जर्स को हिप्नोटाइज करके अपने लिए यूज कर रहे होंगे। इसीलिए बेसिकली ट्रिलर के अंदर हमने देखा था कि ज़ाया ब्रैडली प्रेसिडेंट के ऊपर शॉट करते हैं क्योंकि सर्पेंट सोसाइटी ने उसे हिप्नोटाइज कर दिया था। सर्पेंट सोसाइटी मूवी के लास्ट में प्रेसिडेंट रॉस को भी हल्क आउट करवाएगी, यानी कि जिस सीन के अंदर हमने प्रेसिडेंट रॉस को रेड हल्क बनते हुए देखा था, उस सीन के अंदर बेसिकली सर्पेंट सोसाइटी अपने हिप्नोटिज्म को यूज करके रॉस को रेड हल्क में बदलेगी। रॉस को रेड हल्क के पावर्स बेसिकली लीडर के थ्रू मिले होंगे, जहाँ पे लीडर ने एजेंट रॉस की हेल्प की थी उनके मेडिकल कंडीशन को ठीक करने के लिए, जहाँ पे लीडर ने प्रेसिडेंट रॉस को या एजेंट रॉस को एक ऐसा सीरम दे दिया था जहाँ पर जब प्रेसिडेंट रॉस का हार्ट रेट एक पर्टिकुलर लिमिट से ऊपर जाता है तब वो बेसिकली हल्क आउट कर जाते हैं, यानी कि रेड हल्क में बदल जाते हैं। मूवी के लास्ट में सैम और रेड हल्क की एक काफी बेहतरीन फाइट होती है व्हाइट हाउस के अंदर, जहाँ पे बेसिकली सैम रेड हल्क को हरा देता है। अब मूवी के लास्ट में प्रेसिडेंट रॉस राफ्ट के प्रिजन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि मूवी के लास्ट में रेड हल्क आपको प्रिजन के अंदर दिखेगा, या फिर आप बोल लो एजेंट रॉस आपको प्रिजन के अंदर दिखेगा। उसी प्रिजन के अंदर लीडर भी मौजूद रहता है, जो कि सैम को बोलता है कि उसे एवेंजर्स का फॉर्मेशन करना चाहिए क्योंकि कोई काफी खतरनाक विलन काफी जल्दी अर्थ के ऊपर आने वाला है। ये मेंशन क्या डॉक्टर डूम का था ये कहना मुश्किल है, पर ये मूवी डेफिनेटली न्यू एवेंजर्स को और न्यू एवेंजर्स विलन को सेटअप करने वाली है। प्लस इस मूवी के अंदर हमें अमेडियस चाउ भी देखने को मिलने वाला है, जो भी बेसिकली एक हल्क रिलेटेड करेक्टर है, तो इस मूवी के अंदर आपको काफी सारे हल्क रिलेटेड करेक्टर देखने को मिलने वाले हैं। तो ये था बेसिकली प्लॉट और मिड क्रेडिट सीन कैप्टन अमेरिका 4 का, जहां पर हमें एक फ्यूचर थ्रेट के बारे में वार्निंग मिली है फ्रॉम द करेक्टर लीडर। अब लीडर के पास डॉक्टर डूम की इन्फॉर्मेशन कहां से आई ये कहना मुश्किल है, तो इस सीन को एक्सप्लेन करते हुए फ्यूचर के अंदर भी आपको वीडियोस देखने को मिलेगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में भी मिस ना कर पाओ। इस वीडियो के इतना ही, एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।